नमस्कार, आज हम लोग बात कर रहे हैं सिटीजन जर्नलिज्म की। और आप सोचेंगे कि सोशल मीडिया पर ही सिटीजन जर्नलिज्म यानी सोशल मीडिया के जरिए जर्नलिज्म पत्रकारिता की बात क्यों की जा रही है। तो भाई ऐसा है कि आजकल हम लोग लगातार सिटीजन जर्नलिज्म का प्रचार देखते हैं, कई एनजीओ इसके पक्ष में बात करते हुए दिखते हैं, कई जो छोटे दूसरे किस्म के मतलब पोर्टल और वेबसाइट्स वगैरह के माध्यम से चलने वाले पत्रकारिता के संस्थान हैं, न्यूज़ के पोर्टल्स हैं, वो लोग भी सिटीजन जर्नलिज्म की बात करते हैं और अच्छी बातें जितनी भी होती हैं वो सिटीजन जर्नलिज्म के बारे में बताई जाती हैं। आपको तो पता ही है कि किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर अच्छी बातें होंगी तो कुछ ना कुछ बुरी बातें भी होती हैं। अब ये बुरी बातें कौन बताएगा? अच्छी बातें तो सारे एनजीओ वाले बता चुके, न्यूज पोर्टल वाले बता चुके और आपको सिटीजन जर्नलिस्ट बनाने के लिए प्रेरित कर चुके, लेकिन बुरी बातें उनके बारे में तो बात ही नहीं हुई। सिटीजन जर्नलिस्ट बनने में जो सबसे पहली बड़ी समस्या है वो है भारत के कानून। कई बार ऐसा होगा कि सिटीजन जर्नलिस्ट बनने के चक्कर में आप कानून तोड़ रहे होंगे और आपको पता भी नहीं होगा कि आपने कौन से कानून तोड़ दिए। उदाहरण के तौर पर आप पॉक्सो जैसी भयावह धाराएं देख सकते हैं। पॉक्सो किसी साधारण व्यक्ति पर नहीं लगता, ये यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ मामला होता है तभी लग रहा होता है आमतौर पर। और पॉक्सो एक्ट की जो सेक्शन 23 है, धारा 23 पॉक्सो एक्ट की, वो सीधे सीधे अपने मोबाइल कैमरे से तस्वीरें लेकर आपने उसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, यूट्यूब पर डाला है या फिर ट्विटर वगैरह पर डाला है, तो भी आप पर ये धारा लागू हो सकती है। और चूंकि सिटीजन जर्नलिज्म की तारीफ करने वालों ने इसके बारे में आपको बताया ही नहीं था, कानूनों के बारे में आपको आगाह ही नहीं किया था, तो भारतीय कानूनों को कब आप तोड़ रहे हैं, कब आप जेल जाने की स्थिति में पहुंच जाएं, ये आपको पता ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपको कम से कम पॉक्सो एक्ट की सेक्शन 23 को पढ़ लेना चाहिए जो कि सीधे सीधे मीडिया से डील कर रही होती है। इसके बाद ऐसी ही दूसरी दो धाराओं की बात आती है, एक तो है जेजे एक्ट। जेजे एक्ट यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट होता है, इसका सेक्शन 74 देखें, या फिर जो तीसरी धारा होती है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, उसकी धारा 23(1) में आप देखें तो भी आपको एक चीज नजर आएगी जिसमें कहा जाता है कि बच्चे की पहचान आप उजागर नहीं कर सकते। बच्चा चाहे वो किसी घटना में पीड़ित हो, यानी 18 साल से कम का है और पीड़ित है, तो भी आप उसकी पहचान उजागर नहीं कर सकते। और कहीं वो इन कंफ्लिक्ट विथ लॉ यानी कानूनों से उलझा हुआ है, सीधे सीधे अपराधी या आरोपी बच्चों को नहीं कहा जा सकता। भारत का नियम जो है वो कहता है कि आप बच्चे को सीधे सीधे आरोपी, फलाने मामले में आरोपी था, ऐसा कह या लिख नहीं सकते। तो 18 साल से अगर कम उम्र का कोई है और किसी कानून के उल्लंघन के मामले में उस पर न्यायिक प्रक्रिया चल रही है तो आप पर जेजे एक्ट 74 लागू होता है। आप किसी भी तरह से उसकी पहचान, उसकी तस्वीर, उसके माता पिता का नाम, उसका गांव, किसी भी तरह से जिससे उसकी पहचान जाहिर हो उसे आप उजागर नहीं कर सकते। जहां तक पहचान उजागर करने का सवाल है, एक और धारा आईपीसी की आती है। आईपीसी की धारा 354 अगर आप देखें तो इसके सेक्शन सी और डी को आपको देखना चाहिए। यह आसानी से आपको नजर आ जाएगा क्योंकि होली के मौके पर कई तस्वीरें आपको नजर आई होंगी, ऐसे ही बरसात के मौसम के शुरू होने पर, बारिशों के शुरू होने पर आपको कई तस्वीरें नजर आती हैं, सोशल मीडिया पर ही नहीं अखबारों में और कई बार टीवी चैनलों पर भी नजर आती है, जिसमें कई महिलाएं, कई लड़कियां भीगती हुई नजर आ जाती हैं। इन सभी स्थितियों में उनकी सहमति लेकर वीडियो बनाया गया हो ऐसा जरूरी नहीं होता, उनकी सहमति लेकर उनसे एक्सप्लिसिट परमिशन बिल्कुल बकायदा फॉर्म पर साइन करवा कर अगर उनसे परमिशन नहीं लिया गया है और वो कह देती हैं कि ये तस्वीर हमारी मर्जी के बगैर ली गई, तो आपके ऊपर 354C आईपीसी की धारा जो है वो लागू हो जाती है और आपके जेल जाने की नौबत आ सकती है। इन धाराओं के बाद और चार धाराओं की बात हम लोग कर लेते हैं। ये चार कानून भी ऐसे हैं जिनका टूटना संभव है और अगर आपको पहले से जानकारी ना हो तो ये गलती आपसे हो सकती है। इनमें से एक तो होता है मानहानि का मामला।
किसी के साथ आप गाली गलौज कर रहे हैं तब तो जो धाराएं लगेंगी वो लगेंगी ही, वो अलग होती हैं। मानहानि, अगर मान लीजिए आपने किसी को भ्रष्टाचारी, किसी को चोर कह दिया और आपके पास इस बात के प्रमाण नहीं है कि वो सचमुच भ्रष्टाचारी था या सचमुच चोर था, तो आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा बनता है। इस मामले में बिना शर्त माफी मांगते जेल जाने की नौबत आते हुए आप अरविंद केजरीवाल के साथ देख चुके हैं। अरविंद केजरीवाल कई बार लोगों को भ्रष्टाचारी कह चुके हैं, उसके बाद उन्हें मानहानि के मुकदमे झेलने पड़े, ऐसा भी हुआ है। ऐसा ही एक मशहूर पत्रिका ईपीडब्ल्यू, उसके एक पत्रकार के साथ भी हो चुका है। उन्होंने एक मामले में जब किसी बड़े व्यापारी को भ्रष्ट और चोर कह दिया था और ऐसी बातें अपनी पत्रिका में लिख दी थी, तो इसके बाद उनकी नौकरी चली गई थी, ये आपको पता होगा। अगर आपके पास प्रमाण नहीं है और तब आप किसी को भ्रष्टाचारी, चोर ऐसा कुछ कह रहे हैं जिससे उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होती हो, तो उस केस में आप पर आईपीसी की 499 और 500 जैसी धाराएं लागू हो सकती हैं और सिटीजन जर्नलिज्म जो है वो आपका अदालत में निकल जाएगा। ऐसा ही एक एक्ट होता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में 2005 में संशोधन किए गए थे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में संशोधन के बाद फिलहाल स्थिति ये है कि इसकी धारा 54 के अंतर्गत आप किसी भी किस्म की अफवाह फैलाते हैं, ऐसी जगह पर कोई अफवाह फैलाते हैं जहां पर पहले ही कोई आपदा आई हुई हो, तो आप पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 54 लागू हो जाएगी। उस स्थिति में फिर से आपके जेल जाने की नौबत आ जाएगी। अगर कोई खबर ऐसी है जो कि डिजास्टर वाले क्षेत्र की है, कहीं पर बाढ़ आई हुई हो वहां की खबर है, कहीं भूकंप आया हुआ हो वहां की खबर है, कोई भूस्खलन जैसी बात हो उस जगह की खबर है, तो फिर आपको संभाल कर उसे पोस्ट करना चाहिए। खबर अगर नकली निकली, झूठी निकली, तो आपके ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट सेक्शन 54 लागू हो जाता है। आईपीसी की ही एक धारा होती है 153, ये दंगे भड़काने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपने कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया है जिससे दो समुदायों में वैमनस्य भड़कता हो, तो 153 आप पर लागू हो जाएगी, इसकी पूरी संभावना है। यही वजह है कि जब आप अखबारों में देखते हैं तो आप पाते हैं कि वहां लिखा गया है दो समुदायों के बीच झगड़ा हुआ, दो समुदायों के बीच पथराव हुआ, दो समुदायों के बीच मारपीट में 3 लोगों के घायल हो जाने की खबर आ रही है। ऐसे किस्म के जो हेडलाइन आप देखते हैं, इसमें दो समुदाय जो लिखा जाता है वो इसलिए ही लिखा जाता है क्योंकि धारा 153 कहती है कि आप किसी भी दो समुदायों के बीच वैमनस्य फैला रहे हो, ऐसी खबर आप नहीं चला सकते। तो सोशल मीडिया के दौर में सिटीजन जर्नलिस्ट को भी ये चीज याद रखनी पड़ेगी, अगर उसने ऐसा कुछ लिखा है जिससे समुदाय का नाम, उसकी पहचान स्पष्ट होती हो तो दिक्कत हो सकती है। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि अगर आप बहुसंख्यक समुदाय जो है उसके खिलाफ कुछ लिख रहे हैं तब आप पर ये लागू नहीं होगा। अगर आप जनरल या सामान्य कास्ट पर ये लिख रहे हैं तब भी आप पर ये लागू नहीं होगा। कुछ खास समुदायों पर अगर आप लिख रहे हैं और उनके बारे में अगर आपने ऐसी बात कर दी तो कोई ना कोई आप पर मुकदमा करने आ जाएगा। आपको पता है कि ये लोग भेड़ियों के झुंड की तरह टूट पड़ते हैं, कई लोग जो कि मुकदमा कर रहे होंगे और आपको मुकदमे से बचाने कोई नहीं आएगा। आपके पक्ष वाले जो हैं वो अचानक नैतिकता के नियमों की दुहाई देने लगते हैं, अकेले आप पड़ जाएंगे। तो आपको संभाल कर क्या करना है और क्या नहीं करना, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 153 आईपीसी आपको याद रखना होगा। ऐसी ही आईपीसी की ही एक धारा होती है 505(1), यानी सेक्शन 505 सबसेक्शन 1। इसमें डर फैलाने की बात की गई है। अगर आप डर फैला रहे हैं, मान लीजिए कोरोना काल में किसी ने डर फैलाया कि फलाने इलाके में कोरोना फैल रहा है, कई लोग बीमार पड़ गए हैं, और खबर झूठी हो या कई मामलों में सच्ची खबर भी हो, मगर उससे समाज में डर व्याप्त होता है, आतंक फैलता है, तो उस केस में आप पर 505(1) लागू किया जा सकता है। इन सब के अलावा होता है एक आईटी एक्ट। आईटी एक्ट इसलिए क्योंकि आप जो तस्वीरें खींच रहे हैं वो अपने सेलफोन से खींच रहे हैं, डिजिटल है। आप जो तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं सिटीजन जर्नलिस्ट बनने के बाद, वो तस्वीरें आप सोशल मीडिया के जरिए, वीडियो जो होते हैं वो सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट कर रहे हैं, तो ये सब कुछ इंटरनेट से चल रहा होता है। अब जैसे ही इंटरनेट की बात आई तो आईटी एक्ट तो आएगा ही।
आईटी एक्ट की सेक्शन 66 डी के मामले आप पर बन सकते हैं, इसलिए ये भी आपको पढ़ लेना चाहिए। तो अगर आप सिटीजन जर्नलिस्ट बनने की तैयारी कर रहे हैं, सिटीजन जर्नलिस्ट बनने की सोच रहे हैं, तो इन सब के बारे में आपको सबसे पहले मालूम करना पड़ेगा। इन सारी धाराओं के अलावा हम लोग जब सिटीजन जर्नलिस्ट की बात करते हैं तो आप पाएंगे कि जिला स्तर पर अगर आप पूछें कि भैया सिटीजन जर्नलिस्ट कैसा होता है, छोटे जो यूट्यूब के पत्रकार होते हैं वो लोग कैसे होते हैं, तो आपको बड़ा ही खराब इनपुट मिलेगा। कोई भी जिला स्तर का डॉक्टर, कोई ठेकेदार, इंजीनियर, इन सब लोगों से अगर आप बात करें, मुखिया स्तर के जो नेता होते हैं, पंचायत स्तर के जो नेता होते हैं, उन लोगों से अगर आप बात करें, तो आप पाएंगे कि ये सभी के सभी छोटे पत्रकार यानी कि सिटीजन जर्नलिस्ट को ब्लैकमेलर मानते हैं। क्या ये सच है? काफी हद तक ये सच है। सिटीजन जर्नलिस्ट के नाम पर जो लोग काम करना शुरू कर रहे होते हैं, यूट्यूब इत्यादि के जरिए पत्रकारिता कर रहे होते हैं, इनमें बड़ा वर्ग, एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसे लोगों का है जो असल में पत्रकार हैं ही नहीं। पत्रकारिता से उन्हें कोई लेना देना नहीं, समाज सुधार की कोई बात उन्हें नहीं करनी होती। असल में ये गुंडे हैं। कैमरा और माइक लेकर पुलिस से काफी हद तक इन्हें प्रोटेक्शन मिल जाती है, जनता का काफी हद तक समर्थन मिल जाता है, क्योंकि जनता पत्रकारों के पक्ष में होती है अक्सर। तो उस बहाने से समझ लीजिए कि ये भेष बदल कर आए हुए ठग होते हैं। तो एक बड़ा वर्ग जो सिटीजन जर्नलिस्ट अपने आप को कहता है, उसमें एक बड़ा वर्ग ठगों का है। कभी भी आप जिला स्तर पर लोगों से बात करेंगे, जिला स्तर पर जो भी पत्रकार होते हैं उनसे बात करेंगे, जिला स्तर पर जो डॉक्टर हैं उनसे बात करेंगे, जिला स्तर पर जो अधिकारी होते हैं, डीएम वगैरह होते हैं, एसपी वगैरह होते हैं, उनसे बात करेंगे, किसी थाना इंचार्ज से बात करेंगे, किसी इंजीनियर से बात करेंगे, मुखिया या पंचायत स्तर के जो नेता होते हैं उन लोगों से बात करेंगे, तो कन्फर्म हो जाएगा कि बहुत सारे जो होते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट वो ऐसे ही होते हैं, और इसलिए उनकी छवि बड़ी खराब है। सिटीजन जर्नलिस्ट की छवि उतनी अच्छी नहीं होती। क्या ये सच है? काफी हद तक सच है। हम लोगों ने देखा है कि कैसे क्लिप कटुआ गिरोह जो था, वो क्लिप कटुआ गिरोह एक क्लिप का एक हिस्सा काटकर उसे प्रसारित कर रहा था, और उसकी वजह से भाजपा की एक बड़ी नेत्री को घर में छुप कर रहना पड़ रहा है। महिला दिवस बीत गया है, किसी ने इसकी बात नहीं की, लेकिन महिला दिवस बीत जाने पर आपको ये भी याद करना चाहिए था कि एक महिला जिसकी हत्या की साजिश की जा रही है, हत्या की बातें की जा रही हैं, सरतन जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं, उसे घर में छुप कर बैठना पड़ रहा है, और वहीं पर दूसरा पक्ष जो सरतन जुदा के नारे लगा रहा था वो खुला घूम रहा है, आजाद घूम रहा है, उससे कोई सवाल नहीं कर रहा। महिला दिवस जब बीत गया है तो शायद आपको इस बात की याद आ जाए। अब सवाल ये है कि ऐसे क्लिप कटुओं से बचने के लिए किया क्या जाए। तो क्लिप कटुओं से बचने के लिए जो सबसे पहले आपको सावधानी बरतनी चाहिए, वो सावधानी बड़ी साधारण सी होती है, आपको सोशल मीडिया चलाना सीख लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर हमेशा ये बताया जाता है कि आप अपनी निजी जानकारी जो है उसे सार्वजनिक ना करें। अब भारत में लोगों को ये बात बहुत मुश्किल से समझ में आती है। भारत में मुश्किल से क्यों समझ में आती है? क्योंकि भैया यहाँ पर तो आप अगर अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर निकल रहे हो तो कोई भी पड़ोस वाली आंटी आपसे पूछने आ जाती है, सनीमा देखने जा रहे हो क्या? तो भैया निजता तो आपकी वहीं खत्म हो जाती है, कोई निजी चीज आपकी, कोई निजी जानकारी तो बची ही नहीं। पत्नी के साथ सिनेमा देखने जा रहे थे या घूमने जा रहे थे या सब्जी लेने जा रहे थे, इससे आपके पड़ोसियों को क्या मतलब होना चाहिए? लेकिन नहीं, यहाँ पूछा जाता है। विदेशों में देखेंगे तो आपके बच्चे कितने हैं, आपकी शादी हुई या नहीं हुई, आप कमाते कितना है, आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं, ये सारी जानकारी जो होती है ये निजी जानकारी मानी जाती है। भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में किसी से भी मिलने पर जो पहला सवाल पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि अच्छा आप काम क्या करते हो, कहाँ काम करते हो, कहाँ नौकरी करते हो। उसके बाद वो हो सकता है कि आपकी सैलरी का पैकेज भी पूछ ले, अगर आपकी उम्र कुछ 30-35 साल के आसपास की है तो शादी हुई या नहीं, और अगर कहीं आपने कह दिया कि हाँ शादी हो गई है तो बच्चे कितने हैं, कहाँ पढ़ते हैं, ये सब कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो निजी जानकारी यहाँ होती नहीं। लेकिन इंटरनेट पर अमेरिकी कंपनियों में और सोशल मीडिया पर खास करके ये सारी जानकारी आपकी निजी जानकारी होती है। अगर आप इसे सार्वजनिक करेंगे तो क्या दिक्कतें होंगी, इस दिक्कत को आप इस ट्वीट में देख सकते हैं। जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, क्लिप कटुआ गिरोह के एक व्यक्ति ने किसी को धमका रखा है, डरा रहा है वो
धमकी दे रहा है कि भैये अगर इस स्क्रीनशॉट को मैंने तुम्हारी कंपनी में दे दिया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ये सीधा सीधा हिंसा की धमकी है, और ये हिंसा की धमकी सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि क्लिप कटुआ गिरोह से बचने के लिए आपने अपनी निजी जानकारी को निजी नहीं रखा था, सार्वजनिक कर दिया था। आपका ख्याल था कि आपकी जो बहन और आपके बहनों ही अमरीका में रहते हैं उनकी तस्वीरें अपने साथ लगाएंगे और ये बता के रखेंगे कि वो अमरीका में रहते कहाँ हैं, कौन सी कंपनी में काम करते हैं, तो इससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बड़ी बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ होता नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके फलाने जो हैं, आपके फलाने रिश्तेदार जो हैं, वो कहाँ कौन सी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, कौन सा आपका रिश्तेदार आईएएस है, कौन सा रिश्तेदार आपका आईपीएस है, कौन मंत्री हो गया, चचा विधायक है हमारे, कार पे लगा हुआ अच्छा लगता है। ये जानकारी आपकी निजी जानकारी है, इसे निजी ही रहने दें, सार्वजनिक ना करें। अगर सार्वजनिक करते हैं तो ऐसे क्लिप कटुओं को, ऐसे ब्लैकमेलर्स को मौका मिल जाता है कि वो ऐसा करे और आपकी जानकारी को उठाकर आपके विरुद्ध हिंसा के लिए इस्तेमाल करे। इससे बचा कैसे जा सकता है? बचने का जो दूसरा तरीका होता है वो ये होता है कि अगर कोई ऐसी घटना आपको नजर आती है तो आप फौरन उसकी शिकायत कीजिए। इंटरनेट पर शिकायत करना आसान होता है, सोशल मीडिया रिपोर्ट करने का, किसी भी ट्वीट को, किसी भी पोस्ट को रिपोर्ट करने का एक विकल्प देता है। तो हमने कुछ स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं, स्क्रीनशॉट्स में आप देख लीजिए कि ऐसी पोस्ट को, ऐसी ट्वीट्स को रिपोर्ट कैसे किया जाता है। रिपोर्टिंग का जो पहला स्टेप होगा उसमें पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट है किसके लिए, आपके खुद के लिए है। अगर आपके साथ ही कोई ऐसा कर रहा है तो फिर आप मायसेल्फ का विकल्प चुनेंगे। अगर सभी के लिए है, मान लीजिए किसी ने पूरे समुदाय को या पूरे देश को, पूरे जिले को, पूरे शहर को या फिर एक राज्य को क्षेत्रवाद के जरिए टारगेट करने की कोशिश की है तो एवरीवन ऑन ट्विटर हो जाएगा। लेकिन किसी खास व्यक्ति के लिए जिसे आप जानते हैं, जिससे आप परिचित हैं या नहीं भी परिचित हैं, तो किसी एक व्यक्ति या एक समुदाय के लिए अगर कोई कुछ कर रहा हो, कोई हिंसा फैलाने की, दुर्भावना फैलाने की उनके खिलाफ कोशिश कर रहा हो, तो आप वहां लिखते हैं someone else or specific group of people, इस विकल्प को आप चुनते हैं और इस विकल्प पर आप टिक मार्क करते हैं, फिर आप आते हैं नेक्स्ट पर। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि ये क्यों उस पर हमला किया जा रहा है, उसकी आइडेंटिटी की वजह से, उसकी पहचान की वजह से, या फिर उसे हिंसा की धमकी दी जा रही है। स्पैम्ड, स्पैम्ड का मतलब होता है कि कई बार आप देखेंगे कि फलाने गुरुजी और फलाने बाबा जी का जो प्रचार करने वाले लोग होते हैं वो नीचे आकर आपके कमेंट में ऐसी बातें लिख जाते हैं जिसका कि आपकी पोस्ट से, आपकी ट्वीट से कोई लेना देना नहीं हो, तो ऐसी स्थिति को स्पैम करना कहा जाता है। स्पैम आपके उतने काम का नहीं है। हैरास्ड और इंटिमिडेटेड विद वायलेंस में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे और क्या विकल्प होते हैं वो हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा पोस्टिंग देयर प्राइवेट इन्फो। पोस्टिंग देयर प्राइवेट इन्फो का मतलब होता है निजी जानकारी, जैसे कि मैं आपका आधार कार्ड नंबर या आपके आधार कार्ड की तस्वीर उठा करके अगर सार्वजनिक कर दूं तो वो निजी जानकारी को साझा करना हुआ, आपका फोन नंबर मैं सार्वजनिक कर देना चाहूं तो पोस्टिंग प्राइवेट इन्फो वाला जो मामला होता है ये बनता है। थ्रेटनिंग टू एक्सपोज देयर प्राइवेट इन्फो, जैसा कि अभी अभी हमने क्लिप कटुआ वाले मामले में देखा, आप देख चुके हैं कि क्लिप कटुआ क्या करने की कोशिश कर रहा था। तो भैया क्लिप कटुआ जो था वो उसकी निजी जानकारी उठाकर उस कंपनी में ले जाकर और ट्वीट आप क्या कर रहे हैं इसे पता देने की बात कर रहा था, यानी कि उसकी निजी जानकारी को एक्सपोज, सबके लिए एक्सपोज या हैक करने बिना उसकी परमिशन के ले लेने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही और भी विकल्प हैं, जैसे किसी की तस्वीर अगर आप बिना पूछे, बिना इजाजत लिए साझा कर देते हैं, जो कि हमने अभी अभी कानून की बात जब की थी तो जब सेक्शन 354 सी और डी बताया था उस समय भी आपको ध्यान होगा कि शेयरिंग इमेज विदाउट परमिशन जो होता है वो एक अपराध है, और यहाँ पर निजी जानकारी का सार्वजनिक किया जाना भी है। विशिंग हार्म ऑन देम, इंसल्टिंग देम या नेम कॉलिंग, जैसे अगर आपको कोई भक्त बुलाता है जो कि बड़ा ही आम है सोशल मीडिया पर, या फिर गौमूत्र पीने वाला बुलाता है तो वो इंसल्टिंग या नेम कॉलिंग है। ऐसे ही कविता, कहानियों, गजलों में भी आप देख चुके होंगे कि काफिर बुलाने की परंपरा रही है। काफिर बुलाना भी एक इंसल्ट है, नेम कॉलिंग है, तो आप उसे भी रिपोर्ट कर सकते हैं।
किसी और को उकसाना, जो कि आप क्लिप कटुआ वाले मामले में जो उदाहरण हमने बताया था भाजपा की एक नेत्री का, उसमें आपको याद होगा कि दूसरों को कैसे हरास करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा था, गिरोह को आमंत्रित किया जा रहा था, इसे डॉग विस्लिंग कहा जाता है, तो वो करने की कोशिश की जा रही थी, इसे भी रिपोर्ट किया जा सकता है। डिनाइंग अ वायलेंट इवेंट, यानी कि अगर कोई कह रहा है कि फलाना दंगा हुआ ही नहीं था, मान लीजिए आप कहते हैं कि गोधरा कांड हुआ था और कोई कहने आ जाता है कि नहीं नहीं जी ट्रेन जलाई ही नहीं गई थी, आप कहते हैं कि कमलेश तिवारी की हत्या हो गई थी और कोई कहता नहीं नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, आप हिंदुओं की हित की बात कर रहे हैं और कोई कहने आ जाए कि नहीं दिल्ली दंगे तो हुए ही नहीं थे, तो ये सब डिनायल ऑफ होलोकॉस्ट यानी कि हिंसा जो कि आपके पक्ष के लोगों के प्रति हुई थी उसे डिनाय करना हुआ, तो डिनायल ऑफ होलोकॉस्ट जैसे जो मामले होते हैं उसमें ये आ जाता है। इसके बाद बारी आती है थ्रेटनिंग विथ वायलेंस, मैं तुम्हें मार दूंगा, पीट दूंगा, तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूंगा, आके मिल कभी फिर बताता हूं, ऐसी सारी बातें जो होती हैं ये सारा कुछ थ्रेटनिंग विथ वायलेंस में आ जाता है। तो अगर कोई आपके पास ये कहने आ जाता है पुलवामा हमले का टेररिस्ट का जो मामला था उसके लिए अगर कोई कह देता है फक्र है, किसी और आतंकी हमले के लिए कोई कहता है फक्र है इस दिन ये घटना हुई थी, तो वो प्रेजिंग वायलेंट एक्ट में आ जाता है। इन सभी चीजों को रिपोर्ट किया जा सकता है, आपको ये पता ना हो लेकिन आप देख लीजिए और सीख लीजिए कि इन सारी चीजों को रिपोर्ट करना संभव है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि किस किस्म की प्राइवेट इन्फो को सार्वजनिक करने की बात की गई, या हर एक विकल्प पर आगे और सवाल किए जाते हैं। यहाँ पर हमने प्राइवेट इन्फो को जब सार्वजनिक करने की बात की तो यहाँ पर पूछा गया कि फोन नंबर या ईमेल एड्रेस को सार्वजनिक करने की बात की गई, इन चीजों को भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, घर का पता या GPS कोऑर्डिनेट वगैरह जो होते हैं, ऑफिस का पता, इन चीज़ों को सार्वजनिक करना संभव नहीं, फाइनेंशियल यानी कि क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट का जो डिटेल होता है उसे भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, गवर्नमेंट इश्यूड ID यानी कि आपका जो आधार कार्ड है, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, इन चीज़ों को भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो प्राइवेट इन्फो में आती हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने समथिंग एल्स का विकल्प चुना था। आगे अंत वाला जो ये हिस्सा है इसमें पूछा जाता है आपसे कि कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे, क्या पहले भी ये आदमी ऐसी हरकतें कर चुका है तो उसके दूसरे ट्वीट्स को भी आप ऐड कीजिए, और ये सारी शिकायत जो है वो आप कर सकते हैं, आपको करनी चाहिए। तो तथाकथित सिटीजन जर्नलिस्ट असल में जो कि क्लिप कटुए हैं, असल में जो कि ब्लैकमेलर्स हैं, वो जब आपको धमकाने की कोशिश करते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, भाग खड़े होने का कोई विकल्प आपके पास नहीं होता। आप भाग खड़े होंगे तो सोशल मीडिया पर आपके लिए जो समर्थन आता वो भी चला जाएगा, और इसके अलावा उसे ब्लैकमेलिंग करने का और आपको फोन करके या ईमेल करके ये कहने का कि मुझे 10,000 या 1,00,000 रुपए दो वरना मैं तो ये करूंगा, अब तो स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं, ये सब कुछ करने का मौका मिल जाता है, तो आप एक ब्लैकमेलर को बढ़ावा दे रहे हैं। तो बढ़ावा मत दीजिए, तुरंत ऐसी घटनाओं की शिकायत कीजिए, कोई और भी आपको ऐसा करता हुआ दिखे तो उसकी शिकायत भी कीजिए, सोचिए मत। सिटीजन जर्नलिज्म में जो समस्याएं आती हैं, हम लोगों ने अभी सिर्फ उन समस्याओं की बात की, समस्याओं की बात इसलिए की क्योंकि अच्छी चीजें जो होती हैं वो आपको पहले ही पता है। सिटीजन जर्नलिज्म के साथ जो नुकसान होते हैं, किस किस्म के नुकसान हो सकते हैं, उसका अगर आपको अंदाजा लगाना है तो आप ये देखिए कि सिटीजन जर्नलिज्म के नाम पर अभी अभी बिहार में जो मामला हुआ जिसमें कहा गया कि तमिलनाडु के लोगों ने बिहारियों को पीटना शुरू कर दिया है, मारपीट कर भगाना शुरू कर दिया है, उसमें जितने मामले आए, जितने गवाह, जितने बयान आपको नजर आ रहे हैं वो सबके सब सिटीजन जर्नलिस्ट के हैं। ये सभी जो सिटीजन जर्नलिस्ट अभी सामने आ रहे हैं ये सबके सब शरीफ लोग नहीं है, इनमें से कई ऐसे हैं जिनके ऊपर 400 BC के मामले हैं, पुलिस के साथ मारपीट करने के मामले हैं और अलग अलग किस्म की गुंडागर्दी करने के मामले हैं, और ये पुलिस की शुरुआती जांच में ही पता चल जाता है। ऐसे लोगों को अगर आप सिटीजन जर्नलिस्ट कह रहे हैं, जबरदस्ती पत्रकार मान रहे हैं, तो ये आपकी गलती है, ये कोई सही फैसला नहीं है। कुछ दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो राजनीतिक अपने हितों के लिए ऐसी खबरों को प्रसारित करते हैं। अगर एक सिटीजन जर्नलिस्ट है कोई व्यक्ति तो उसे निष्पक्ष होना चाहिए, उसे थोड़ा सा राजनीतिक हितों, राजनीतिक मंशा से दूरी बनानी चाहिए, ये चीज तो आप समझते ही होंगे।
तो जब आपका अगली बार सिटीजन जर्नलिस्ट खुद को कहने वाले असल में क्लिप कट हुए ब्लैकमेलर से सामना हो, तो इन कानूनों को, इन नियमों को याद रखिए। जो उचित तरीके होते हैं रिपोर्टिंग के, उनका इस्तेमाल कीजिए, और याद रखिए कि सावधानी में ही सुरक्षा है।